नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, आज हम आए हैं ईंट भट्टे में। जी हाँ, जहाँ पर ईंट तैयार की जाती है। अभी आप शायद मेरे बगल में देख रहे हैं कि ये कच्चा ईंट तैयार है। इसे पकाने का प्रोसेस क्या होता है और अगर आप इसका बिजनेस करना चाहें तो उसमें कितना खर्च आता है और इससे होने वाला बेनिफिट कितना है, ये तमाम जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पीछे कि यहाँ पर ईंट का चिमनी है और यहाँ पर तैयार हो रहा है ईंट। आइए दिखाते हैं आपको कैसे होता है काम। पहले पूरा प्रोसीजर आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे इसमें होने वाला लागत। हमारे साथ इस वीडियो में आज फिर से आशीष भाई ही हैं, क्योंकि इन लोगों का जो काम है वो असल ईंट का, ब्रिक्स का, वो तमाम चीज़ें जो आपको घर के मटेरियल में यूज़ होती हैं उन सब चीज़ों का इनका काम है। तो चलिए आज हम इन्हीं से फिर से एक बार जानकारी लेंगे। आशीष भाई, सबसे पहले आप हमें बताइए, देखिए हमने कभी भी, या बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ईंट भट्टे को इतने नज़दीक से नहीं देखा होगा जितने नज़दीक से आज हम इन्हें दिखाने वाले हैं। इसके लिए हम आपका पहले दिल से आभार कि आपने हमें इसके लिए एक बार फिर से परमिशन दिया। और इसके बारे में सर, हम सबसे पहले ही जानेंगे कि जो ईंट बनाने का जो काम होता है, जो लोग सोचते हैं कि हम ईंट भट्टे का काम स्टार्ट करें, उनके लिए आपके पास ऐसा कोई जवाब जो कि वो स्टार्ट कर पाएँ या फिर वो इस चीज़ से दूर रहें या फिर इसमें बेनिफिट अच्छा है, खर्च ज़्यादा है, जो भी है, इसके बारे में आज हम थोड़ा ब्रीफ से बता दें। नहीं नहीं, इसमें खर्च ज़्यादा है पर मतलब फ़ायदा भी है उतना। अच्छा, उसमें फ़ायदा भी है। फ़ायदा भी है, थोड़ा रिक्स है इसमें भट्टा में। अच्छा, रिक्स आप लेकर चलिएगा तो मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं इसमें। अच्छा, मिट्टी खेत में ही कटवा कर वहीं पर वर्कर लगवा कर ईंट बनवाया जाता है, कच्चा ईंट। अच्छा, सांच से निकलवा कर। हाँ, सांच है, सांच होता है इसका, ईंटे का, ईंट का सांच होता है। हाँ, वहीं से इसको ईंट निकलवाया जाता है, वहीं पर कच्चे परवा कर सुखा कर उसको गाड़ी से अंदर डलवाया जाता है भट्टे में, जिस टाइप का आप देख रहे हैं। अच्छा, ये सब सजाया सजाया जाता है, इसी टाइप का सजाया जाता है यहाँ। अच्छा, पूरा भट्टा भर कर जितना गोलाई है। हाँ, यहाँ पर चूल्हा बना कर यहीं से फूका जाएगा। अच्छा, यहीं से फूक दिया जाएगा। अच्छा, तो इसको पहले भरा जाता है। हाँ, भरा जाता है इसको। तो ये जैसा अभी स्टार्ट हुआ है आपका भरना, अभी ये भरने के बाद इसमें जो है कि आप लोग आग लगेगा। हाँ, और उसके बाद इसे पकाया जाएगा, यही होता है ना। हाँ, तो इसमें आशीष भाई, अगर कोई सोचे कि हम अपना चिमनी बनाएं और हम अपना स्टार्ट करें, तो उनको चिमनी बनाने में कितना खर्च आएगा? चिमनी का ढांचा 20 से 25 लाख में तैयार कर लीजिएगा। 20 से 25 लाख रुपए में चिमनी तैयार होगा। ये जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो चिमनी तैयार है, इसे लगाने में 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आता है इस चिमनी को तैयार करने में। और इसके बाद जो आपके पास जितने वर्कर होते हैं, कितने वर्कर आपके पास होते हैं अवेलेबल? हमारे पास 50 वर्कर हैं जो ईंट निकाल पाते हैं। अच्छा, और चिमनी में सब मिलाकर सारे वर्कर जोड़ लीजिएगा तो 70-80 हो जाएंगे। अच्छा, 70-80 लोगों को आप एक तरह से रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ, और ये काम भी हो रहा है। तो इसमें ज्यादातर, ये तो कोई बहुत बड़ी बात बताने की नहीं है कि यूज कहाँ होता है। ईंट तो हर जगह यूज होता है। हाँ, हर घर में यूज होता है। तो एक चीज ये जान लीजिए कि आपका ईंट में सबसे ज्यादा लोग क्या देखते हैं कि मतलब ये मजबूत है या फिर कैसे इसका पहचान कैसे होता है? ईंट की क्वालिटी होती है। एक होता है कि सबसे जो अच्छा पकाई होता है उसका एक नंबर होता है। उसके बाद मीठा ईंट। कितने दिन वो पकाया जाता है वो ईंट? बस एक दिन। एक दिन लाइन पर होता है। लाइन जैसे दिख रहे हैं ना आप, लाइन जिस प्रकार लाइन 1 से 2 घंटे में उठा लेगा, इसे करते करते लाइन बाई लाइन पकाया जाता है इसको। अच्छा, तो वो मीठा ईंटा फिर कैसे बनता है? वो भी जहाँ पर होता है कि आग लगाया गया जी, कहीं पर आँच अच्छा हो गया तो वहाँ पर एक नंबर निकल गया। अच्छा, कहीं धीम हो गया तो मीठा निकल गया। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? नहीं नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो उसमें रेट का भी ऊपर नीचे होता होगा। तो जो एक नंबर ईंटा होता है इसका रेट क्या होता है? एक नंबर आजकल अभी चल रहा है रेट में 7000। 7000 अगर एक पीस की बात करें तो कितने का पड़ जाएगा? 7 रुपए। मतलब एक ईंट आज के टाइम में 7 रुपए का है और जो है कि 1000 पे 7000 है। तो इसके अलावा ये जो अंदर जो होता है ये क्या है? ये सब धुएं वाला होता है, जो फूकेंगे ना जी, धुआं खींच कर चिमनी से बाहर निकलेगा। अच्छा, ये बाहर की तरफ खींच लेगा और ये जो है आपका पूरा ढक जाएगा। तो एक बार अंदर चलें? नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते? क्या होता है इसमें?
काली खेलना लग जाएगा सब शरीर में। तो इसमें जो है कि भैया बोल रहे हैं कि इसमें नहीं जा सकते क्योंकि इसका जो चौड़ाई है वो कम है और हम लोगों की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, और इसमें जो है कि पूरी कालिक से दोनों तरफ धुएं की वजह से जो कालिक होता है वो होता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये पूरा काला हो चुका है और उस साइड से वो धुएं को खींचता है, ये पूरा काला हो चुका है, ये एरिया आप देख सकते हैं। तो एक बार आप हमें ये बताइए कि जैसे अगर कोई पूरा प्रोसीजर, जैसे कि चिमनी सिर्फ लगाने में 25 लाख का खर्च आता है, तो अगर कोई अपना ये धंधा स्टार्ट करने का सोचे तो उसको लगभग कितना खर्च लग जाएगा? लगभग आपको खर्च लेकर चलना पड़ेगा, अगर एक चक्कर ईंटा निकाल रहे हैं जी, 40 से 50 लाख लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, 40 से 50 लाख रुपए एक चक्कर ईंटा। उस ईंटे में कितना ईंटा होता होगा? वो आपका चिमनी के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि आपके चक्कर कितने का है। अच्छा। किसी का 7 लाख होता है, किसी का 6 लाख। अच्छा, लाख में होता है वो, मतलब लाख में होता है। अगर आप ये ऐसा बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो पहले इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एटलीस्ट 50 से 60 लाख रुपया होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में आइएगा, अदरवाइज रिस्क ज्यादा है और अमाउंट भी ज्यादा है। इसलिए अगर आपको लगे कि आप इतना वहन कर सकते हैं तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मिट्टी। हाँ। मिट्टी खेतों से ही काटी जाती है, खेत से काट कर एक से दूसरे जगह लाया जाता है उसको। तो मिट्टी का वो पैसा लगता होगा या फिर ऐसे? हाँ। मतलब आप काट सकते? नहीं नहीं, कुछ कुछ पैसा भी कहीं कहीं लगता है, कहीं फ्री में भी मिल जाता है। अच्छा, कहीं फ्री में भी मिल जाता है और कहीं पे, मतलब ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको जो लेकर चलना है वो यही लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपको इसका भी पैसा देना होगा, और आपको एटलीस्ट 50 से 60 जो होते हैं वर्कर उन्हें आपको रखना होगा। और आपके जो ईंट का नाम है वो किस नाम से है भैया? ठाकुर ईंट है। ठाकुर ईंट है, ठाकुर ईंट के नाम से ये प्रसिद्ध है, और यहाँ से आपको एक नंबर मीठा ईंटा या जो भी जैसी भी ईंट चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगा, है ना भैया? हाँ। तो हर टाइम अवेलेबल होता है ईंट? हाँ। अच्छा, इसमें आप लोगों को मेहनत कितना होता है? मेहनत अब देख ही रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपको अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप मालिक बनकर सिर्फ बैठे रहेंगे, आपको भी मार्केट में रहना होगा, वर्कर बनकर घूमना पड़ता है। वर्कर बनकर घूमना पड़ता है, भैया ने साफ शब्दों में कहा, वर्कर बनकर घूमना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मालिक को मालिक तो नहीं रहना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा ईंट भट्टा चला रहे हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि आप एक इतना बड़ा उद्योग लगाकर चल रहे हैं, तो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आपको खुद से ही करना होता है। ये जो बहुत बड़ा एरिया दिखा मुझे, और हम आपको दिखाते हैं भैया का जो ईंट तैयार हुआ हुआ अभी मिट्टी से, जो अभी पकने वाला है उसको एक बार हम आपको दिखाते हैं। तो ये है वो ईंट भट्टा जहाँ पर बहुत सारे आपको ईंट तैयार भी मिलेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पर कच्चे ईंट रखे हुए थे और यहाँ पर ईंट पका कर रखे गए हैं। ये चिमनी है जिसे भैया ने बताया था कि इसे बनाने में एटलीस्ट आपको 25 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। और इसके अलावा आप अगर ईंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि आपको एटलीस्ट कम से कम 50 लाख रुपए रखने होंगे जिससे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो जैसा कि आप मेरे नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ईंट जो है वो पका कर रखा गया है, यहीं से अब जो ये ईंट निकलेगा और यहाँ पर कच्चा ईंट रखा जाएगा जिसे पकाया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।